नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौजी में। तो दोस्तों, हम आज करेंगे जो मोशन का हम चैप्टर कर रहे थे दोस्तों फिजिक्स में, उसी का दोस्तों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉ पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब न्यूटन के लॉ दोस्तों कितने नियम थे, पहले तो ये आप समझें। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत काम किया था। तो दोस्तों ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो जो आएगा वो हम पढ़ते हैं। तो न्यूटन ने दोस्तों तीन लॉ दिए थे, यानी कि तीन नियम दिए थे। उसमें दोस्तों न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इस तरीके से थे। तो फर्स्ट लॉ को इनर्सिया कहते हैं दोस्तों। तो इनर्सिया में क्या होता है, इनर्सिया दोस्तों हिंदी में इसको जड़त्व कहते हैं, जड़त्व दोस्तों हिंदी में इसको कहते हैं। तो ऑफ रेस्ट, ऑफ मोशन, ऑफ डायरेक्शन, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो ऑफ रेस्ट मार्बल बॉल इन एक्सलेशन मेट्रो, तो दोस्तों रेस्ट में कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है दोस्तों, विराम अवस्था में है, स्टेशनरी पोजीशन में दोस्तों रुकी हुई है, तो उसको रेस्ट में बोलेंगे। ऑफ मोशन, कोई भी चीज़ दोस्तों मोशन में है, तो उसे जैसे कोई चल रही है दोस्तों, मूवमेंट हो रहा है, तो उसको दोस्तों मोशन में कहेंगे। और डायरेक्शन, यानी किसी डायरेक्शन में दोस्तों चल रहा है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दोस्तों कहेंगे। देखते हैं हम किस तरीके से दोस्तों। कंडीशन टू चेक द लॉ ऑफ इनर्शिया और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज दैट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो। अब दोस्तों ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो इस अब दोस्तों ये इनर्शिया यही है, देखिए एग्जांपल इसके इनर्शिया, जैसे कि आप कार में दोस्तों बैठे हुए हैं, कार में आप बैठे हुए हैं दोस्तों, और जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, आप आगे की तरफ मूव करते हैं, तो वही इनर्शिया दोस्तों। यहाँ जब एक्सलेटर देते हैं दोस्तों तो वह पीछे की तरफ आता है, ऐसे ही दोस्तों इसमें दिया हुआ, जब आप रेस्ट में तो एक्सलेशन होगा और डिक्रीजिंग होगा दोस्तों स्पीड, इस तरीके से दोस्तों ये सब चीज़ें दी हुई है। तो ये आपका इनर्सिया का ही लॉ है। जैसे कि हम किसी को खींचते हैं और हम एकदम से उसको छोड़ दें, तो वो दूसरी साइड में अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों जाकर गिरता है, तो यही सब इनर्सिया है। तो फर्स्ट लॉ दोस्तों क्या हो जाएगा न्यूटन का, इनर्सिया। अब दोस्तों सेकंड लॉ आ जाता है एफ इक्वल टू एम ए, यानी ये यहाँ पर फॉर्मूला है हमारा फोर्स निकालने का, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। एफ क्या होता है हमारा फोर्स, और एम क्या होता है मास, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है दोस्तों उसका मास, और ए क्या है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन दोस्तों हमने आपको कल बताया ही था, तो मास इंटू एक्सलरेशन करेंगे तो क्या पता चल जाएगा हमको, फोर्स दोस्तों पता चल जाए कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो एफ इक्वल टू फोर्स, एम इक्वल टू मास, ए इक्वल टू एक्सलरेशन। इफ एफ इक्वल टू के, तो दोस्तों इस तरीके से ये, अब इस चीज़ को आप छोड़ें, यहाँ पर देखें एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों एक्सलरेशन के, यानी कि अगर एक्सलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मास दोस्तों ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो अब दोस्तों ये यहाँ पर देखें, तो ये इस तरफ दोस्तों 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस तरफ 1000 न्यूटन का, तो एक बैलेंसिंग कंडीशन आ गई। इन दोनों को दोस्तों हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बैलेंसिंग कंडीशन है, तो ये जीरो हो जाएगा दोस्तों। इधर भी लग रहा है 1000 न्यूटन और इधर भी लग रहा है, तो ये मोमेंट ही नहीं होगा दोस्तों, बीच में ही रहेगा। तो इसको हम इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे कि टोटल फोर्स निकालें, तो दोस्तों ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं और नेगेटिव भी लेकर चलते हैं। तो अब जब अपोजिट डायरेक्शन में, दोस्तों नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है, एक डायरेक्शन को, अपोजिट डायरेक्शन को दोस्तों इंडिकेट करता है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोस्तों 1000 दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव, तो जीरो हमारा न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी समझ में आया होगा, तो चलते हैं हमने। अब जैसे कि -90 न्यूटन इधर लग रहा है और +40 न्यूटन इधर लग रहा है। अब F और ये दोस्तों कितना मास है इसका, 10 kg मास है, तो F इक्वल टू एम ए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो टोटल फोर्स है वो हम देखें, तो -90 + 40, तो -90 फोर्स इधर लग रहा है और दोस्तों 40 इस साइड में लग रहा है। तो अब हमारा जब इसको हम करेंगे, क्योंकि 90 न्यूटन तो दोस्तों इधर लग रहा है और 40 न्यूटन इधर, तो जो रिजल्टेंट दोस्तों फोर्स आया वो कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन ही तो हो जाएगा, 50 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम मास रखें, मास कितना है 10 kg, तो 10 A, तो अब A दोस्तों A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, क्या हो जाएगी दोस्तों, -5। तो हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन इज सेम एज डेट ऑफ फोर्स,
तो दोस्तों जो जिस साइड में फोर्स लग रहा है उस साइड में ही डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस साइड में कम फोर्स लग रहा है और इस साइड ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो ये नेगेटिव इस वजह से दोस्तों ये आ रहा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन दोस्तों नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन बहुत कम हो रहा है। तो अब हम तीसरे लॉ की तरफ चलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, एक्शन रिएक्शन लॉ। आपने सुना ही होगा जितना हम एक्शन करते हैं उसका अपोजिट रिएक्शन उतना ही हमको मिलता है। जैसे कि हम अभी किसी दीवार पर दोस्तों बॉल मारते हैं, तो बॉल दोस्तों दीवार पर टच होकर वापस आती है उसी एक्सेलरेशन से दोस्तों। तो अब इक्वल होगा दोस्तों, दोनों साइड फोर्स इक्वल लगेगा, जो जिस स्पीड से दोस्तों जिस फोर्स से बॉल हिट करेगी दोस्तों दीवार को, और उसी दोस्तों फोर्स से वो वापस आएगी, तो इक्वल होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जब बॉल हम इस साइड में मार रहे हैं तो दोस्तों इस साइड में एक और फोर्स लग जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन। साइमल्टेनियसली दोस्तों एक साथ होगा, यानी कि बहुत जल्दी हो जाएगा दोस्तों। एक्ट ऑफ डिफरेंट बॉडी, अलग अलग बॉडी पर दोस्तों फोर्स लगेगा, क्योंकि बॉल में दोस्तों बॉल एक फोर्स लगाएगी दीवार पर और दीवार फोर्स लगाएगी बॉल पर। तो ये आप पॉइंटों को दोस्तों ध्यान रखें। नेवर कैंसिल आउट, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, जैसे कि दोनों मिलकर दोस्तों जीरो हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। एक्ट ऑन सेम सरफेस, और सेम सरफेस पर दोस्तों एक कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पर मून रोटेटिंग अराउंड अर्थ, तो दोस्तों ये सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल इन मैग्नीट्यूड, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये इस तरीके से दोस्तों ये अर्थ है, ये मून है, तो इस साइड में फोर्स लग रहा है, एक इस साइड में, इसी वजह से ये बैलेंसिंग कंडीशन में है। तो अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखते हैं, ये एक एप्पल है दोस्तों, इसका मास हम ले लेते हैं 3×10⁻¹ kg, और एक्सेलरेशन कितनी स्पीड होती है दोस्तों, जो ग्रेविटी की दोस्तों जी की स्पीड हम 10 m/s² जो आपकी डिफ़ॉल्ट होती है, 10 9.8 भी दिया हुआ होता है, आप 10 लेकर चलें दोस्तों, अगर नहीं दिया 9.8। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम फोर्स निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 3, और ये kg में ही लेना है आपको, अगर ग्राम में दिया हुआ फिर भी आप इसको kg में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मास की दोस्तों ऐसा यूनिट क्या होती है kg, और एक्सेलरेशन दोस्तों जो होता है वो m/s² में होता है, ये सब हमने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में दोस्तों कराया है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या, ये जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 N आ जाएगा। तो ये दोस्तों 3 N जब इस पर हिट करेगा, देखें अब m2, ये क्या है दोस्तों, अर्थ है, क्या है अर्थ, अर्थ का दोस्तों कितना है 6×10⁻¹ kg, और एक्सेलरेशन दोस्तों कितना है 5×10⁻²³। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये एक्सेलरेशन दोस्तों ये हुआ इसका, तो यानी कि 24 जीरो तो एकदम जीरो के बराबर दोस्तों हो गया। हैंस अर्थ ऑल्सो, देखें दोस्तों, हैंस अर्थ ऑल्सो बाउंस अपवर्ड एज एप्पल फॉल, बट एक्सेलरेशन इज टू लो टू मेक इट ऑब्जर्वेबल। तो अब दोस्तों देखें इसको समझें क्या है, जैसे कि सेब दोस्तों, अब आप कहेंगे कि सेब जो ज़मीन पर आया, अब दोस्तों ज़मीन पर ही वो रह जाएगा, वो बाउंस नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों बाउंस तो होगा, लेकिन उसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम है दोस्तों, जो एक्सेलरेशन जो अर्थ का है वो दोस्तों बहुत ही कम हो जाएगा, तो उस वजह से हमको महसूस नहीं होगा, इस कारण से ये हमको दिखता नहीं है। अब दोस्तों सेंटर ऑफ मास हम देखेंगे, सेंटर ऑफ मास दोस्तों देखें, तो सेंटर ऑफ मास में क्या होगा दोस्तों, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये बुक है दोस्तों, इसके सेंटर में हम एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट होता है दोस्तों जो कि पूरे मास को बैलेंस कर देता है। आपने देखा होगा जैसे कि इसको बैलेंस आप बीच में उंगली लगाएं या पेन के निप पर दोस्तों इसको आप साध सकते हैं, यानी कि दोस्तों जैसे कि इस तरीके से ये रख लिया, तो यही आपका जिस पॉइंट पर बैलेंस हो जाए ऑब्जेक्ट, वही हमारा क्या होता है सेंटर ऑफ मास। तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड हैवी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों जिस साइड में हैवी पार्ट होता है, भारी वजन जिस साइड में होता है दोस्तों, उधर ही हमारा सेंटर ऑफ मास होता है। अब हम देखें किस तरीके से दोस्तों, जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों, ये इससे जुड़े हुए हैं, तो अब ये इससे जुड़े हुए हैं, तो अब हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एकदम बीच में होगा दोस्तों। अब ये ऑब्जेक्ट कोई छोटा है और एक इस साइड में बड़ा है, तो अब आपको अभी हम बताएंगे दोस्तों, देखें जैसे कि ये जो
आप जिम जाते होंगे तो इस तरीके से ये रॉड दी हुई है, उस पर दोस्तों ये वेट लगा हुआ है। अब हम इस वेट को दोस्तों अभी हम इसके बराबर दोनों वेट बराबर है दोस्तों, 5 kg ये है और 5 kg है, तो आपको इधर से पकड़ते हैं और इधर से पकड़ते हैं आप, तो आराम से दोस्तों इसको उठा लेंगे दोनों बैलेंस है। लेकिन अभी हम दोस्तों इसको 10 करते हैं, कितना करते हैं 10। तो अब आपको इस साइड में तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा दोस्तों, इस साइड में पकड़ेंगे और इसको इस साइड में पकड़ेंगे, जब ये बैलेंस हो पाएगा। अब इस एग्जांपल से देखें तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 इसके पार्ट किए गए हैं, तो अब हमने ये पार्ट हटा दिया, तो अब यहाँ सेंटर में रखेंगे तो फिर इस साइड में ज़्यादा मास हो जाएगा तो ये इधर गिरेगा, तो इस वजह से दोस्तों ये सेंटर जो है वो शिफ्ट हो गया। अब दोस्तों ये वाला भी हटा दिया, तो अब ये सेंटर अब इस साइड में तो कोई वजन है नहीं है, अब यहाँ पर रखते हम तो फिर ये इस साइड में हैवी हो जाता है, तो फिर हमने इस साइड में शिफ्ट किया। अब इस पार्ट को भी हटा दिया तो अब ये दोस्तों इस साइड में ही हो जाएगा। तो अब आपकी समझ में आया होगा दोस्तों सेंटर ऑफ मास, तो चलते हैं हमने। अब दोस्तों इस तरीके से इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट मैटर इज ऑल्सो प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ मास, ये दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो मेटेरियल के में प्रेजेंट हो दोस्तों, जैसे कि ये है, अब इस ये ओ बना हुआ है दोस्तों, अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे आप निकाल पाएंगे, जैसे कि कोई रिंग ले लें आप, रिंग दोस्तों, अब रिंग में आपको सेंटर ऑफ मास कैसे यहाँ पर आप लगाएं दोस्तों, यहाँ पर तो ये बैलेंस नहीं होगा, यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा, यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा, यहाँ पर, तो दोस्तों ये बैलेंस यहाँ तो आप रिंग को इस तरीके से खड़ा करें तो यहाँ पर आप उंगली लगा लें जब हो पाएगा दोस्तों, या फिर सेंटर में अगर रखेंगे दोस्तों आप इसको तो सेंटर में तो गैप है उसमें, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। जैसे दोस्तों ये सी शेप है तो इसका तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब कॉन्सेप्ट ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, अब दोस्तों प्लैनेट और सैटेलाइट, तो प्लैनेट ए और प्लैनेट बी फाइनली प्लैनेट हैं दोस्तों, तो अब इसमें दोस्तों जो सेंटर ऑफ मास है वो ये तो ऑब्जेक्ट दोस्तों छोटा है और दूर भी है, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो दोस्तों जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो बड़ी की तरफ जिस साइड में हैवी होता है दोस्तों उस साइड में ही हमारा सेंटर ऑफ मास रहता है, बस आपको इतना समझने की ज़रूरत है। तो अब दोस्तों ये इतना हुआ है तो और ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, तो वो फिर ए प्लेनेट पर ही सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ग्रेविटेशन पर दोस्तों चलते हैं, ग्रेविटेशन आपको पता है दो ऑब्जेक्टों के बीच में दोस्तों जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनी टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू मास इन देम विद फोर्स F1 एंड F2, दैट इज F1 इक्वल टू F2 ऑलवेज। तो दोस्तों जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं ये एक दूसरे को दोस्तों खींच रहे हैं, आप कैसे मानेंगे, जैसे कि एक ये इस तरीके से दोस्तों एक आपकी एक चादर है दोस्तों ये, तो इस पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, एक दोस्तों ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दो बॉल रखी हुई हैं मान लें दोस्तों, दो बॉल हैं तो ये आपस में खींच रही हैं, आप चादर पकड़ें और उस पर दो बॉल रखें तो आपको लगेगा कि ये खींच रही हैं, एक दूसरे के पास जाएंगी, आप कहेंगे कि नहीं जा रही, जैसे ही दोस्तों बीच में अगर कोई आपको ये पास में पहुँचानी है तो बीच में आप एक ईंटा दोस्तों डाल दें या कोई भारी चीज़ डाल दें, तो जैसे ही ये इसमें झोल आ जाएगा दोस्तों तो ये आपस में ही एक दूसरे के पास आएंगी ना कि दूर जाएंगी, तो दोस्तों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, एफ इक्वल टू जी M1 M2 / r² दोस्तों क्या है, दो ऑब्जेक्टों के बीच की दोस्तों डिस्टेंस है ये r, तो इसका स्क्वायर करेंगे, और M1 M2 क्या है दोस्तों, M1 हो जाएगा आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड M2 क्या हो जाएगा दोस्तों मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2। तो अब दोस्तों जी की वैल्यू आपको याद रखनी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं जी की, और ये यूनिट भी आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होती है, 6.67 × 10⁻¹⁻ होता है दोस्तों। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोस्तों ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम देखें, तो g = gm1 m2/r², अब दोस्तों F हमारा फोर्स क्या है, m1 m2 हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट है उसका दोस्तों फोर्स उस पर क्या होगा m1 m2, तो m1 से m2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो a1 क्या आ जाएगा हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो gm2/r² दोस्तों, ये एक्सेलरेशन हमारा आ जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखें हम,
दस ए वन इज इंडिपेंडेंट मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम वन डेट वाई टू ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम सेम हाइट, सेम हाइट से दोस्तों इन वैक्यूम और साइमल्टेनियसली ईच रीच अर्थ टुगेदर। दोस्तों कोई भी आपके दो ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों, उनको हम वैक्यूम में दोस्तों कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, उनको एक साथ छोड़ें हम तो वो दोनों ही एक साथ जमीन अर्थ को दोस्तों टच करेंगे, जिसको हम फ्री फॉल भी कहते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर चाहे दोस्तों उनका मास डिफरेंट हो फिर भी वो एक साथ ही यहाँ पर टच करेंगे। सो इट डजेंट मैटर इफ़ यू ड्रॉप एन एलिफेंट और ए माउस, वी नो नीड टू कैलकुलेट ए वन ए टू ए थ्री एक्सेट्रा, वी रिप्लेस देम ऑल विथ कॉमन सिंबल जी। तो दोस्तों ये जी जो होगी, चाहे आप एलिफेंट को डालें और माउस को एक साथ डालें दोस्तों, तो दोनों ही एक साथ ही टच करेंगे। तो ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस दोस्तों, ये एम इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, एच इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पर आ रहा है तो दोस्तों ये हमारा कितना आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई इग्नोरिंग लिटिल वैल्यू ऑफ 0.5 m। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो जाता है, आप ये सब नोट करना चाहें नोट कर लें, और ये आपको दोस्तों नोट्स चाहिए तो आपको हमने बताया था कि आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 74 17 15 27 76। दोस्तों इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको 49 रुपीज़ पे करना होगा। तो दोस्तों और आपको लैब मैनुअल भी दोस्तों प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और कल हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे दोस्तों, तो आप क्वेश्चनों को भी ज़रूर देखें। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू ऑल द